नमस्कार, मैं महादेव वर्मा आप सभी का मैं और अपनी टीम की ओर से YouTube चैनल के माध्यम से GSM क्लासेस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूरा विश्व वर्तमान समय में कोरोना जैसी भयंकर महामारी से लड़ रहा है, उसके चलते हुए हमारे मार्गदर्शक मिस्टर ज्ञानेंद्र सर जिन्होंने के विचार रखा हम लोग के सामने कि क्यों ना हम लोग यूट्यूब पर ऑनलाइन चैनल के माध्यम से जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उन तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करें, जिससे कि उनके जो तैयारी है बोर्ड एग्जामिनेशन की, क्योंकि परीक्षाएं भी आपकी फरवरी माह में ही होंगी और ये निश्चित है कि एग्जाम्स उसी टाइम पर होगा, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा, सुना होगा कि जो शिक्षा सचिव है जो भी, उन्होंने 30% जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया है, चाहे वो NCERT बोर्ड हो, चाहे आपका CBSE हो, चाहे ICSE हो, सब में रख दिया उन्होंने। तो क्योंकि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और बायोलॉजी का जो हिंदी अर्थ होता है वो जीव विज्ञान होता है, ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल्स को जरूर आप लोग YouTube पे जाइए, GSM क्लासेस को सर्च करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने एक बेल आइकन बना होगा, घंटी के अनुमा संरचना, उसको आप दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करेंगे आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक है। तो सीधा अब हम लोग कोर्स पे आते हैं। सबसे पहले मैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बायोलॉजी है ये साइंस के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, साइंस के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम ज्यादा समय आपका ना लेते हुए बहुत थोड़े से शब्दों में साइंस को डिफाइन करके फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने कहा था कि जो बायोलॉजी है वो साइंस के अंतर्गत आता है, साइंस, और साइंस का जो हिंदी अर्थ होता है यानी कि कहें तो मीनिंग वो क्या होता है, विज्ञान होता है। विज्ञान जो अगर देखा जाए ऐसे जनरल में तो दो शब्दों से मिलकर बना है, विधन ज्ञान, मतलब अगर देखा जाए तो इसका अर्थ क्या निकलता है, विशेष ज्ञान, क्या निकलता है, विशेष ज्ञान, यानी किसी भी वस्तु के बारे में यदि हम विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका विज्ञान कहलाता है। लेकिन जो विज्ञान शब्द अंग्रेजी का है, इसकी जो ओरिजिन हुई है वो लैटिन वर्ड एक है जिसको आप लोगों ने सुना भी होगा, सिंटिया, बहुत सारे लोग उसको साइंसिया भी पढ़ते हैं, क्या है, सिंटिया, अगर इंग्लिश में लिखा जाए SCIENTIA, ये क्या है आपका लैटिन वर्ड, क्या है, लैटिन वर्ड, इसका मीन्स क्या होता है, टू नो, आपको यह भी मिलेगा, आपको यह भी मिलेगा, नॉलेज, क्या, नॉलेज, और नॉलेज का मतलब क्या होता है, टू नो के बाद दूसरा जो वर्ड आपको मिलेगा वो क्या है, नॉलेज, इसका भी मतलब ज्ञान या जानकारी होता है या जानना होता है। अब अगर इसे कोई आपसे, क्योंकि आप अगर साइंस साइड से पढ़ रहे हैं तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बेटा विज्ञान क्या है, अब हम साइंस साइड से पढ़ रहे हैं, किसी ने पूछ लिया कि विज्ञान क्या है, अब आप खड़े हो गए, यदि आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है तो आप जरूर बताएंगे। तो इस चीज का कभी आप ऐसे ना फंसे उसके लिए हम इसकी एक सुंदर सी कहिए या अच्छी सी डेफिनेशन जो कि वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है, ठीक है, उसको देख रहे। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस हॉब्स, इन्होंने क्या कहा था, साइंस इज द नॉलेज ऑफ
कॉन्सिक्वेंस एंड वन फैक्ट डिपेंड अपॉन एनदर, यानी साइंस में जो एक फैक्ट होता है या एक कोई भी चीज हो वो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, वो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। जैसे सेल्स है या टिश्यूज है या बॉडी सिस्टम की पूरी बात कर ले तो सारा किस पे डिपेंड है, अभी आर्गन सिस्टम कहिए या आप एक बॉडी का फॉर्मेशन कहिए, वो सारा का सारा किस पे डिपेंड है, सेल के ऊपर। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो इसी प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन दी है, जो कि आप उसे याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये भविष्य में आपको काम देगी कभी भी आप कहीं भी। है क्या वो, प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यदि किसी का छूट गया तो वो राइट कर ले, लिख ले कि प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था साइंस के बारे में, जो कि हमने बता दिया। अब सीधा ये देखा गया कि साइंस जो है वो पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी उसके अंदर आती, लेकिन हम उसका अगर अध्ययन करें तो थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत होगी हमें, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है स्टडी करना। तो उसके लिए आपको इजी वे में आप स्टडी कर सके, इसके लिए साइंस को दो भागों में बांट दिया गया, साइंस को दो भागों में बांट दिया गया। वो दो भाग मैं बता रहा हूं आपको, फर्स्ट आपकी है फिजिकल साइंस और दूसरा है आपका बायो, यानी भौतिक विज्ञान और दूसरा है आपका जीव विज्ञान। क्योंकि मैं बायो का टीचर हूं, जीव विज्ञान का टीचर हूं, तो आपको जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा। भौतिक विज्ञान हमारे मिस्टर ज्ञानेंद्र सर, जो कि हमारे सीनियर भी हैं, उन्होंने इसके बारे में काफी कुछ लेक्चर दे चुके हैं, उसकी दो तीन वीडियो भी आपके ऊपर पड़ी होगी, आप उसको जरूर देखिए, ठीक है। तो हम सीधा आते हैं इसमें बायोलॉजी पर, तो हम आपको बता दें कि द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट क्वाइन बाय जर्मन साइंटिस्ट जीन बैप्टिस्ट डी लेमा एंड फ्रांस साइंटिस्ट गॉटफ्राइड ट्रेवी रेनस, ट्रेवी रेनस, ठीक। तो हमने लिखा क्या, इन 1802 मैंने क्या कहा कि जो जीव विज्ञान शब्द है उसको सर्वप्रथम सबसे पहले जर्मन के वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लेमार और फ्रांस के वैज्ञानिक गॉटफ्राइड ट्रेवी रेनस ने दिया, ठीक। अब आपको पुस्तकों में बायोलॉजी की या जो भी होंगी उसमें लेमार्क और ट्रेवी रेनस आपको लिखा मिलेगा। ये क्वेश्चन अक्सर कर किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब जो वर्ड बायोलॉजी है तो ये आपको नोट किया आप लोगों ने, ठीक। अब आगे हम चलते हैं, जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक वर्ड क्या है, दो अलग अलग ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ और लाइफ का मतलब आप लोग जानते हैं जीवन, और लोगास जिसका मतलब होता है डिस्कोर्स और इसका मतलब भी क्या होता है,
स्टडी क्या होता है? स्टडी, स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है, जो भी आप कहिए, जो भी समझिए। अब एक चीज और जानिए कि जो इस यूनिवर्स पे जीवन है वो दो प्रकार का जीवन पाया जाता है, यानी लाइफ जो है ये दो होते हैं, एक आपका प्लांट लाइफ है और दूसरा आपका एनिमल लाइफ है। क्या है? एनिमल लाइफ है। तो प्लांट इसीलिए इस प्रकार जो बायोलॉजी शब्द है उसको डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया दो भागों में। कौन कौन से? उसको आप देख लीजिए। जूलॉजी एंड बॉटनी, दो भागों में बांट दिया गया। ठीक, जूलॉजी को क्या कहते हैं हिंदी में? जंतु विज्ञान। और क्या बोलते हैं? इसी का दूसरा नाम है प्राण विज्ञान। और इसको क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। इतना कंफर्म हुआ? ठीक है, आगे चले हम। समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब हम सीधा जो डिस्कशन कहने के लिए वो हमारा फोकस होगा सीधे किस पर? जूलॉजी को देखते हैं, क्योंकि अब हमने डिराइव कर दिया, इसको बांट दिया है दो उपशाखाओं में, सब कह सकते हैं ब्रांचेस में। तो सब ब्रांच की सबसे पहली ब्रांच क्या थी? जूलॉजी। जूलॉजी भी आपका ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, और वो ग्रीक वर्ड क्या है वो देख लेते हैं। जॉन प्लस लोगास, इसका मतलब होता है एन एनिमल, और इसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, स्टडी होता है। तो सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो जंतुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जंत विज्ञान कहते हैं, प्राण विज्ञान कहते हैं। एक होती है जैसे कि आपने देखा होगा कार्ड दो प्रकार के होते हैं, पहले चलते थे एक बीपीएल चलता था और एक व्हाइट वाला राशन। तो अगर आप एक गरीबी रेखा से नीचे वाली डिप्रेशन कहें तो आप कह सकते हैं कि जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्राण विज्ञान कहते हैं, या क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं, जंत विज्ञान कहते हैं, प्राण विज्ञान कहते हैं। लेकिन अगर अच्छी एक बेलोन डिप्रेशन आपको देना है तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे क्या? कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं की आंतरिक संरचना एवं बाह्य संरचना तथा उनके अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे जंत विज्ञान कहते हैं। मैं फिर से रिपीट किया जा रहा हूं, आप लोग राइट डाउन नोट कर लीजिए कि विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं की आंतरिक संरचना एवं बाह्य संरचना तथा उनके अंदर जैविक क्रियाओं या उनके अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जंत विज्ञान कहलाती है, प्राण विज्ञान कहलाती है। एक शब्द और आप लोग देख लीजिए, बहुत कंपटीशन एग्जाम्स में आया है कि जंतुओं के अध्ययन को और दूसरा नाम कौन सा दिया गया है, तो वो है आपका फाना। क्या है? फाना। जंतुओं का अध्ययन का दूसरा नाम फाना, ये कंपटीशन एग्जाम में आता है, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व ग्रीक दार्शनिक एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अरिस्टोटल। ये लिखा मिलेगा ऐसा मैं कहता ना, उनका नाम जो है वो अरस्तु है, हमारे मान लीजिए अरस्तु जी है। ठीक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था, इसको भी नोट कर लीजिए, हिस्टोरिया एनिमलियम। ठीक, इसमें उन्होंने लगभग 500 जंतुओं के जीवन परिचय प्रस्तुत किए, इसीलिए जो अरस्तु जी हैं इनको फादर ऑफ जूलॉजी और
बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा जो उसका पार्ट था, क्या था? बॉटनी। ठीक, बॉटनी पर डिस्कस करते हैं। ओके भाई, समझ में आएगा तो जरूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को देखिए और कंटिन्यूअसली देखिए, आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। मैं इस वीडियोस को या आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतना इंटरेस्टिंग बनाऊंगा कि जिससे आप एक नहीं आप 100 बार देखना पसंद करेंगे। क्योंकि ठीक है, अब हम दूसरी बात चल रहे हैं क्या, बॉटनी के ऊपर। क्योंकि मैंने अभी आपको ड्राइव किया था ना टू सब ब्रांचेस में, तो पहला ब्रांच जूलॉजी के ऊपर डिस्कशन कर चुका ना, अब सेकंड पार्ट जो उसका है क्या है, बॉटनी। अगर देखा जाए तो सिंपल ग्रीक वर्ड में ये भी ऐसे सीधे कह दिया गया है, क्या कह दिया गया है, इसका मतलब हर और प्लांट। ठीक, अब आपने एक चीज और बता दें, आप जब प्लांट की कैटेगरी पढ़े होंगे तो प्लांट तीन टाइप्स के कहे जाते हैं, प्लांट को तीन भागों में, कौन कौन से, एक आपका हर, दूसरा आपका सर और तीसरा आपका ट्री, ये कैटेगरी। ठीक है, बटक है, लेकिन ये हर यानी अगर वही मैंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे वाली अगर परिभाषा देखे जाए तो आप सीधा कह सकते हैं कि पादपों के अध्ययन को या वनस्पतियों के अध्ययन को ही वनस्पति विज्ञान कहते हैं, है ना। लेकिन ऐसा है और थोड़ा एडवांस डेफिनेशन दो, क्योंकि अब एडवांस युग आ रहा है, आप ये भी जान रहे हैं, तो एडवांस डेफिनेशन कैसे निकालेंगे। ये ग्रीक वर्ड आप ले लीजिए, एक ग्रीक वर्ड एक और था, क्या था वो आप नोट कर लीजिए, बॉस्टीन, जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग, और ग्रेजिंग की मीनिंग क्या होती है, चरना, क्या होता है, चरना। अब ये ग्रेजिंग भी एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका नाम क्या है, बोअस, 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 और इस बोअस का मतलब होता है एन एनिमल। अब अगर इसकी हम परिभाषा बनाए तो कैसे बनेगी, उसको भी आप लोग सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपके भविष्य में काम आएगा। कैसे, कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा हम पशुओं से चरने संबंधित जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे ही वनस्पत विज्ञान कहते हैं। ठीक, मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं जा नहीं रहा हूं, ठीक है, इसका छूटना नहीं चाहिए। फिर से क्या कह रहा हूं मैं, सुनिएगा और लिखिएगा भी, मैं कह रहा हूं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा हम पशुओं के चरने से संबंधित जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पत विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब जैसे आप, मैंने वहां कहा था कि जंतुओं के अध्ययन के लिए दूसरा शब्द है, ऐसे ही पादपों के अध्ययन के लिए भी दूसरा शब्द है, वो क्या है, फ्लोरा है, फ्लोरा। अगर कहीं भी मिल जाए कि पादपों के अध्ययन को और दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं तो आप तुरंत कहिएगा फ्लोरा, इसको भी राइट डाउन, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत पूछता है। अब जैसे ही आपके ग्रीक दार्शनिक अरस्तु जी थे, ऐसे ही एक चौथी शताब्दी ईसा पूर्व गिरदा जो आपके ग्रीक दार्शनिक थे, वो एक और वैज्ञानिक थे, आप लोग जानते भी होंगे, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस का आपने नाम सुना होगा, ये कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है, इसको भी नोट कर लीजिए, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें उन्होंने लगभग 500 पेड़ पौधों के जीवन का परिचय प्रस्तुत किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा गया, क्या कहा गया, वनस्पत विज्ञान का जनक कहा गया। ठीक है, तो ये इतना हो गया क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में। इससे आपको दो क्वेश्चन तो कंपटीशन में मिलते हैं, और भी अगर कोई आपसे पूछ लेता है तो बहुत सारी चीजें। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें जो ये क्लास है, जो मैंने अभी आज ये लेक्चर मैंने दी, ये ना कि केवल 9th, 10th, 11th, 12th एंड सो ऑन के लिए, ऐसा नहीं है। जो भी साइंस साइड से पढ़ेगा, खासकर बायो साइड से, ठीक, और भी जो 6 क्लासेस से ऊपर है, वो ये चीज सीख सकते हैं, जान सकते हैं, ताकि आगे चल के उनको ये चीज फिर सीखना पड़े। क्योंकि छोटे क्लास वाले जब नहीं जानते हैं तो आगे क्लासेस में इस चीज को सीखते हैं, लेकिन जब आप छोटे से सीखते जाएंगे तो आगे आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप उसके बारे में सुन चुके हैं, लेक्चर जान रहे हैं। ठीक है,
तो इतना हुआ। अब हम जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगी वो मैं 10th क्लास का वीडियो अपलोड करूंगा, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं आप जरूर बताइएगा हमें कि मेरा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इसका अनुभव। जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तभी हमको पता चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारा सहयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगी वो मैं 10th क्लास का जो पहला कुछ मैं चैप्टर्स का डिस्कशन करूंगा, फिर उसमें जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, उसी पे मैं स्टडी कर आपको लेक्चर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।